हेलो अगेन हेलो मुझे है ना पिछली जो वीडियो है हुँ. उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉमेंट दिखा okay. <laughs> किसी ने लिखा कि आप लोग भी यूट्यूबर बन गए हैं क्या <laughs> क्योंकि हमने एपिसोड के एंड में एक क्लिफ हैंगर छोड़ा था टू बी कंटिन्यूड दरअसल उसके पीछे कहानी है कि गर्मी आ गई है सैन फ्रांसिस्को में भी गर्मी आ गई हैं हाँ। और ओवर हीटिंग की वजह से कैमरा बीच में बंद हो गया हाँ। <laughs> और वो फिर से शुरू किया हमने फिर दस मिनट में बंद हो गया <laughs> तो हमें ज़्यादा समझ में है नहीं हमें समझ कैमरे <laughs> वगैरह की तो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर पाएँ तो हमने सोचा कि कोई नहीं चालीस पचास मिनट की एक साथ रिकॉर्डिंग जो हुई है परहैप्स वी कैन क्रिएट एन एपिसोड आउट ऑफ दैट और हमने पिछली बार बात की थी बीटा टेस्ट की तो हमने ये भी सोचा कि इस एपिसोड को एक बीटा टेस्ट की तरह ले लेते हैं इट्स अ शॉर्टर एपिसोड आल्सो विद अ क्लिफ आई होप यू गाइस लाइक लिसनिंग टू दिस शॉर्टर एपिसोड पर ये है दो हफ्ते पुरानी बात mm. पिछले दो हफ्तों में काफ़ी कुछ हो गया mm. यहाँ पे यूनाइटेड uh, स्टेट्स में आई थिंक ये ग्लोबल न्यूज़ बन गई है mm. um, शायद आपने भी सुना होगा जॉर्ज फ्लॉइड नामक एक बंदे थे उनकी मृत्यु हो गई उसके पीछे यहाँ पे काफ़ी विवाद हो गया तो पिछले दो हफ्तों से हम दोनों ही काफ़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या और आ, मतलब तीस शहरों में यहाँ पे दंगे हुए उसके पीछे तो सही बताऊँ तो मुझे जितनी मैंने रिसर्च की जो मैंने देखा बड़ा ही ख़राब इंसिडेंट था द वे आई वॉज ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट इज़ कि इंडिया में करीब पाँच या छः साल पुरानी बात या दस साल पुरानी एक निर्भया कांड हुआ था दैट्स दी ओनली वे आई एम एबल टू रैप माई हैड अराउंड कि यहाँ पर क्या हुआ आई थिंक आई लाइक इन माई लाइफ आई ओनली सीन एक इंडिया में निर्भया कांड जो इक्वलेंट mm. है आई सपोज mm. जो यहाँ पे हुआ एनी वे दैर वन अ गेट इन टू

तूने मुझे पिछली बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई कि कैसे एक नेचुरलिस्ट जॉर्ज कुर ने खोज की कि एक्सटिंक्शन बोल के भी एक चीज़ होती है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया इंस्टिंशन। हम मान के ही चलते हैं कि हाँ हमसे पहले भी जानवर आए थे वो विलुप्त हो गए पर मुझे तो ये ये भी याद नहीं कि स्कूल में कब पढ़ा था, <laughs> था। मतलब शायद जनरल नॉलेज से आ गया हाँ कहने का, का मतलब कि हमें हमें तो हमें तो एज नॉलेज दिया गया था ठीक है तो वी वी ऑलवेज टू गेट एज अ फैक्ट एंड देन बट वॉज इंटरेस्टिंग टू मीज कि कैसे जब ये चीज़ नहीं पता होगी आ, तो थोड़ा ना बैठे बैठे मन में आ रहा है कि हाँ इन जानवर जो दिख रहे हैं इनके अलावा भी कोई जानवर हुए रहे होंगे रहे। जो विलुप्त हो गए <laughs> तो वो कहानी मुझे बड़ी दिलचस्प लगी बट उस कहानी के एंड में जो तूने एक बात बोली उससे मैं थोड़ा काफी शौक सा हो गया था एंड परहैप्स That's why I chose to end end it on on the episode also on that दैट्स वाई आई चोज टू एंड इट ऑन एंडीसोडर बट on a more serious note, like एक तरीके से तूने हम, हमारी पूरी मनुष्य जाति को ही कटखड़े में खड़ा कर दिया <laughs> कि तू ने मुझे बताया कि एक तरीके से एक मास एक्सटिंक्शन अभी चल रहा है hmm. अभी चल रहा है मतलब ये नहीं 2020 में चालू हुआ आई डोंट नो लाइक वॉट लाइक वेन इट स्टार्टेड लाइक आई asked लॉट ऑफ क्वेश्चन बट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि यार ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है तू <laughs> मनुष्य जाति पे कि हम न, ना सिर्फ तूने दो चीजें बताई ना सिर्फ hmm. फिलहाल चल रहा है hmm. पर उस सिक्स एक्सटेंशन का कारण हम हैं मनुष्य जाति है और हमारी एक्टिविटीज है तो लाइक आई एम बोथ फैसिनेटेड जस्ट क्वाइट शॉकड एंड ऑल्सो जस्ट वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि क्या है ये मास एक्सटेंशन लाइक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास एक्सटेंशन ऑज़ वेरी थियोटिकल कि हाँ डायनोसॉर्स विलुप्त हो गए उनके साथ सारी नाइंटी नाइन परसेंट स्पीशीज विलुप्त हो गई बट इज़ समथिंग सिमिलर हैपनिंग नाउ एंड लाइक हाउ आर वी काजिंग इट एंड इज इज आर एक्टिविटी लाइक आर एक्टिविटीज़ ऑफ टूडे काजिंग इट और लाइक हैव वी बीन काजिंग दिस एक्सटेंशन एवर सिंस लेट्स ए ह्यूमन्स ए वर्ल्ड दो लाख साल पहले तो लाइक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट बेटर कि ये चल क्या रहा है hmm. तो यू आर राइट इन सेइंग कि मास एक्सटिंक्शन की हिस्ट्री एक रही मतलब अभी नहीं चल रहा अभी चल रहा है बट ये स्टार्ट ऐसा नहीं है कि अभी दो साल पहले स्टार्ट हुआ या तीन साल पहले स्टार्ट हुआ और तभी मैंने ये जब हम हंटर गैदरर्स की बात कर रहे थे कि उस टाइम स्केल पे ये मुद्दा उठाया है क्योंकि ये एक्चुअल में ये इवेंट हमारे हंटर गैदरर्स के टाइम से स्टार्ट हुआ है और ऐसा मानते हैं साइंस में भी जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं तो उसी की कहानी मैं एक्चुअली आज बताना चाहूँगी कि उसकी कहानी है क्या बट बिफोर आई गो देर एक बात मैं बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि मास एक्सटिंक्शन इवेंट होता क्या है हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंशन किया था मैं थोड़ा सा अगर उसको रिपीट कर दूँ जस्ट फॉर लाइक एवरीबडीज़ अंडरस्टैंडिंग तो मास एक्सटिंक्शन इवेंट हमने बोला था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे यानी हमारे अर्थ के टाइम स्केल पे हमारे अर्थ की लाइफ के टाइम स्केल पे हमारी अर्थ अगर 4.6 बिलियन ईयर्स या 4.8 पॉइंट बिलियन ईयर्स ओल्ड है तो उसके टाइम स्केल पे एक बड़े छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारी अर्थ की स्पीशीज़ खत्म हो जाती हैं उसको hmm. मास एक्सटेंशन बोलते हैं एक एक्सटेंशन तो नेचुरल रेट पर चलता रहता है जैसे कोई स्पीशीज़ अपने आप में विलुप्त हो गई बड़े धीरे धीरे करके बट कुछ कुछ हमने देखा है हमारी हिस्ट्री में हमारी अर्थ की हिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हैं कुछ कुछ ऐसे टाइम रहा है जब हम ऐसा इवेंट हुआ कुछ कि बहुत सारी स्पीशीज़ एक साथ ख़त्म हो गई कुछ ऐसा भी हम देख रहे हैं करंटली और उसके पीछे काफ़ी एविडेंस है हमारे पास तभी ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रही हूँ कि एक्चुअली <laughs> सब मनुष्य मिलकर ही जो साइंटिस्ट हैं जो विज्ञानी लोग हैं जो एक्चुअल में इस पर रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने मिलकर ही ये कंक्लूड किया कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये हो रहा है अभी और मैंने लास्ट टाइम एक बुक का भी मेंशन किया था दिक्स एक्सटिंक्शन <laughs> और वो बुक लिखी गई है दैट बुक हैज़ बिन रिटन बाय दिस वीमेन नेम एलिजाबेथ कोलबर्ट शी इज़ अ जर्नलिस्ट बट शी हैज़ बिन डूइंग जर्नलिज्म ऑन क्लाइमेट साइंस ऑन आर एनवायरमेंट वो शी इज़ एक्चुअली वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट कि हम कैसे एनवायरमेंट में चेंजेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफकोर्स और एक सही बात बताऊं तो इसके इस विषय पे ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अलग अलग व्यू हैं कोई बोलता है कि नहीं नहीं हम नहीं कर रहे कोई बोलता है हम कर रहे हैं सबसे अच्छा आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू एक जर्नलिस्ट ही दे सकता है <laughs> क्योंकि वो बड़े एक निष्पक्ष तरीके से सारे रिसर्चर्स का जो भी कंक्लूजन है उसको इकट्ठा ला के पेश कर सकता है राइट right? सो so, इस बुक में बाय द वे सिक्स एक्सटेंशन में एलिजाबेथ कोल्बर्ड ने एग्जैक्टली exactly यही किया है कि कैसे अलग अलग स्टोरीज़ को वीव किया है कि कैसे साउथ अमेरिका में कोई स्पीशीज़ थी वो कैसे विलुप्त हो गई तो उसके बारे में बताया कि कैसे वो विलुप्त हो रही है और कैसे साइंटिस्ट देख रहे हैं फिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बताया ऐसे फिर नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूके साइड या यूरोप साइड अच्छा। में उधर की कुछ कहानी बताई तो, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसा लग रहा है हाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मतलब इन्वेस्टिगेशन कर करके जो जर्नलिज्म करते हैं उस तरीके से और ये बुक इतनी तो फेमस हुई थी एंड ऑबियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स दैट शी वाज प्रेजेंटिंग बट आल्सो हर स्टोरी राइटिंग स्किल्स की मतलब तो इतने तो अच्छे से स्टोरी की तरह पेश किया है ना हर चीज़ का कनेक्शन दिया है कि अच्छा इस वजह से क्या हुआ इस वजह से क्या हुआ इसकी इस कहानी क्या है तो ये बाय द वे इस बुक को पुलित प्राइज अवार्ड मिला hmm. हुआ है विच इज़ लाइक अगर फॉर एनी बुक तो पुलिस सरप्राइज मतलब अपने जैसे मूवीज में ऑस्कर मिलता है hmm. <laughs> जैसे किसी मूवी को बेस्ट मूवी ऑस्कर अवार्ड मिल गया तो ये बुक्स की कैटेगरी में नॉन फिक्शन बुक्स की कैटेगरी में उसको पुलिस सरप्राइज अवार्ड मिल चुका है सो इट्स अ हाईली हाईली रेटेड बुक वेरी फेमस बुक आल्सो तो इस बुक में एलिजाबेथ कोलबेड मेक्स अ केस कि हाउ द सिक्स एक्सटिंगशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल हैपनिंग एंड सेकेंडली इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज तो मैं एक्चुअली मुझे इस बुक में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मैं जब सेपियंस पढ़ रही थी तो उसके अंदर एक्चुअल में बताया गया कि कैसे हम इस कैसे हम की कॉज कर रहे हैं तो आई एक्चुअली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक मोर तो मुझे इसके बुक के बारे में पता चला कि सिक्स एक्सटेंशन नाम से एक बुक है तो मैंने कहा कि ये पढ़ी जा सकती है और लास्ट टाइम जो ये अभी नेचुरलिस्ट की कहानी बताई थी जॉर्जिस करके मुझे बहुत की अच्छी के लगी है।, है वो कहानी मैंने <laughs> अपना एपिसोड वापस से खुद ही देखा <laughs> यूट्यूब <योडियोग> पे जाके <laughs> हाँ। और मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइज हुई <laughs> कि जब तू मुझे कहानी बता रही थी ना तो मुझे बिल्कुल कहानी समझ में नहीं आ रही थी मैं कहीं मतलब वो कहानी मुझे

एक्सटेंक्शन के बारे में फिर हमें पता चला कि एक्सटेंशन से हमें ये पता लग गया कि एक हिस्ट्री थी लाइफ की जो सब भूल गए हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है कहीं पे, सिर्फ एक तरीके से रिकॉर्डेड है वो है हमारे फॉसल्स तो हमें फॉसिल्स के रूप में वो नज़र आते हैं और अब हम उन वॉसल्स को पढ़ के या फिर उन लेयर्स को पढ़ के जो हमने बात की थी इनके बारे में जाना जा सकता है Correct. फिर हमने बात किया कि नाइनटीन के आसपास हमें मास एक्सटेंशन इवेंट्स के बारे में पता चला hmm. कि ना कि सिर्फ एक्सटेंशन हो रही है बट मास मासटेंशन इवेंट्स होते हैं hmm. और हमें पता चला कि कैसे डायनासॉर्स गए थे बेसिकली तो उनका एक इवेंट का स्नैपशॉट हमें मिल गया था पर उसके बाद में इतनी रिसर्च हो गई है कि हमें पता है कि पांच मास एक्सटेंशन हो चुके हैं मास एक्सटेंशन की आई थिंक एक बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेशन आई डोंट रिमेम्बर किसी ने दी बट एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगी किसी ने दी वो ये थी कि इमेजिन करो एक ट्री है और हमने याद है मेंशन किया था ट्री ऑफ लाइफ के बारे में हुँ, हुँ, कि कैसे समझ लो ट्री है ए, एक कैसे लूका से हाँ, जो पूरी लिविंग हाँ, ऑर्गेनिज्म ऐसे की निकल ब्रांच, निकल कर ब्रांचेस निकी? ब्रांचेस पे ब्रांचेस हाँ, ब्रांचेस के ब्रांचेस ब्रांचेस के ब्रांचेस जैसे पूरा ट्री बना है Correct. लाइफ का ठीक है हम किसी उस उसी ट्री के किसी एक ब्रांच पे अभी ह्यूमन स्पीशीज बैठी है ऐसे और भी स्पीशीज बैठी है मास एक्सटेंशन इवेंट वो है जब समझो उस ट्री को ना किसी पागल आदमी ने एक्स से फटाफट फटाफट काटना शुरू कर दिया hmm. और उसकी ब्रांचेज पूरी काट दी कुछ इस तरीके से मास एक्सटेंशन इवेंट पर मैं समझ गया तो कहना चाह रही है कि जो एक ट्री ऑफ लाइफ है हाँ। मान लो कि जितने जीव जंतु हैं किसी एक पेड़ में विजुलाइज़ करो तो मास एक्सटेंशन मतलब मान लो किसी पागल आदमी ने कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पे बस काटने लगा तो कई ब्रांचेज कट गई छट गई, hmm. बस कट गई, गई oh, तो कट गई। उसके बाद नहीं आएंगे वो वापस। मैं मेरे को अब अच्छे से चमका तेरी और मास नेचर में पर मान लो कोई और ये पेड़ को बनने में मिलियन बिलियन करोड़ों साल लगे हैं ठीक है इतने टाइम लगा है गिर गई। ब्रांचेस गिर गई। ब्रांचेस थोड़ी बहुत हवा आती है पेड़ पत्ते गिर जाते एक्सटिंक्शन होते रहती है पर मान लो आते ही सालों में किसी ने कुल्हाड़ी ले लेके ले मार दिया तो वो हो गया मास एक्सटिंक्शन दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन मुझे समझ में आ गया इट्स वेरी सैड आल्सो वेरी सैड आल्सो ऑल द मोर सैड क्योंकि चलो मास एक्सटिंक्शन इवेंट जो हमने पाँच अपने महाप्रलय या मास एक्सटिंक्शनस की पहले बात की थी वो ऐसे इवेंट्स थे कि कोई क्लाइमेट में ही चेंज आ गया बिकॉज ऑफ वालकैनिक एक्टिविटी कोई वॉलैनो फट गया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई धरती पूरी गर्म हो गई जितने स्पीशीज थी जो सर्वाइव नहीं कर पाई उस क्लाइमेट में वो मर गई ठीक है ऐसे ही हम देखते हैं एस्टोराइड या मीटोराइड कोई आके टकराया उससे धरती में अगेन क्लाइमेट में उत्पाद मचा और धरती दोबारा से स्पीशीज मर गई hmm. इट्स ऑल द मोर सैड जब हमें पता चलता है कि चलो पहले वाले तो एक्सटेंशन ऐसे थे कि उनके बारे में पता नहीं था hmm. और कुछ कंट्रोल शायद नहीं कर सकते थे उनको बट hmm. अब हमें पता है कि ऐसे एक्सटेंक्शन इवेंट मास एक्सटेंशन इवेंट होते हैं और वो अगर हम कॉज कर रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है तो ये तो एक्चुअल hmm. में उस एनालोजी की तरह ही है कि सही में कोई पागल आदमी उन ब्रांचेस को काटना शुरू कर दिया hmm. और वो ब्रांचेस ऐसी हैं वो वापस नहीं आएंगी एक बार कट गई तो गई जैसे किसी पेड़ के अगर तुम डालियों को काट दो तो वो डाली थोड़ी उगेगी वापस मैं जानना चाहता हूँ ऐसा हुआ क्या मतलब मैं एट अ हाई लेवल कि हाँ हम कर रहे हैं बट कैसे हुआ कैसे ये स्टार्ट और तो आई थिंक सेपियंस में इसका जिक्र था कि कैसे ह्यूमन बींग्स ये कर रहे हैं और यू वॉल नो हर आ रही जो सेपियंस के राइटर हैं वो बोलते हैं कि ूमन बींग्स ये एक्चुअली वेव्स में कर रहे हैं तो मैं एक्चुअली अगर तुम्हें तो विजुलाइज कराना चाहूँ तो यू समझो कि जैसे कभी अर्थक्वेक आता है तो सुनामी पैदा होती है है ना बट सुनामी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही वेव आती है वो कई बार आती है बाद में जब तक वो सेटल डाउन ना हो जाए है ना हुँ। क्योंकि जो शेक हुआ है एक बार ही वो एक बार इतना शेक हुआ कि एक बैल तो बड़ी वेव आएगी फिर उसके बाद में एक शायद उससे छोटी आएगी और फिर उससे तो कुछ इसी तरीके से मानो कि हम भी एक्सटिंग ये मास एक्सटेंक्शन इवेंट ऐसे वेव्स में कर रहे हैं ह्यूमन अच्छा। बींग्स हमारी फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी जब हमारे हंटर गैदरर्स थे उस टाइम से तो मैं एक्चुअली अपने टाइम स्केल में वापस जाना चाहूंगी अच्छा। <laughs> क्योंकि हम मास एक्सटेंक्शन इवेंट के बारे में हमने जिक्र इसलिए किया था क्योंकि आई वॉन्टेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस साइड ऑफ आर हंटर गैदर लाइफ ऑल्सो जो कि ये ये काम कर रही थी और मतलब समझ सकते हो कि कि वो तो 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 कर रहे हैं तो उनको पता नहीं था था कुछ कर रहे हैं। तो, बट करा बट उनका impact बहुत बड़ा था, तो उस impact के बारे में आज थोड़ा बताना चाहोगे तुम्हें सॉरी टू बिफोर यू स्टार्ट अभी तक इतना समझ में आया मुझे का हमारी हमारा जो, बिग हिस्ट्री का जो चल रहा है, हमने अभी तक पूरी कहानी डिस्कस की है कैसे धीरे धीरे और फिर उनमें भी लैंग्वेज आई हां ग्रुप्स में रहने लग गए हाँ। और हंटर गैदरर्स बन गए हाँ। उसके बारे में हमने मोरालिटी के बारे में भी थोड़ी बातें की हाँ, कि उनकी अब, उनकी कहानियां आ हाँ, चुके हैं तो अभी इन आर स्टोरी विच स्टार्टेड फ्रॉम 1400 करोड़ साल पहले से लेके अभी हम आ गए हैं करीबन लाख आज से लेकर 1 हाँ। लाख साल पहले तक हाँ। जब हम जंगलों में रहते थे और हाँ। हमारे जो पूर्वज थे हंटर गैदरर्स ठीक है तो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा आगे करना चाहूँगी क्योंकि हमारे जो हमने पिछले कई एप, एपिसोड लगाए वो हमने हंटर गैदरर्स पे ही लगाए हैं उनकी लाइफ के बारे में लगाए उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए हमने कि कैसे हंटर गैदरर्स इन लैंग्वेज हम देखते हैं कि उनके अंदर लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है म्यूज़िक का प्रयोग हो रहा है तो हम उनके कल्चर के बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं हम ये जानते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी जानते हैं Correct. हम ये जानते हैं कि वो टूल्स भी बना रहे थे और वो थोड़े एफिशिएंट टूल्स बना रहे थे एफिशिएंट टूल्स मतलब इनफैक्ट कई कई जगह पे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि आ, पहले तो वो एशूलियन ऐक्स के बारे में हमने जिक्र किया था उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने लगे हैं इनफैक्ट नीडल्स का प्रयोग करने लगे हैं कपड़े सिलने हाँ, के लिए तूने मुझे जितना तो, मेरे को समझ में आया कि दे हैड अ लॉट ऑफ स्किल्स हिंदी हाँ, में एक शब्द होता है या फिर उर्दू में हरफन मौला अच्छा हा, 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 <laughs> फन मतलब कि आप में कोई हुनर हो कोई स्किल हो हर मतलब एवरी हर फन मौला मतलब उस का मास्टर oh. तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे हंटर गैदरर्स दे दे वर लाइक एक्सपर्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग या यू कैन से दैट बिकॉज़ कॉग्निटिवली काफी कॉग्निटिवली दे हैड टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन देयर इंटेलिजेंट थे Haan. तो हम देखते हैं कि 70 80000 इयर्स पहले जब ये निकले अफ्रीका में से हमारे होमो सेपियंस जो हमारी स्पीशीज है हम्म hmm. तो वो जगह जगह फैली अलग अलग क्लाइमेट में रही बट वर एबल टू अडेप्ट इन दो क्लाइमेट सो वी नो फॉर श्योर कि वो इतने स्किलफुल थे कि किसी भी क्लाइमेट में अब उनको छोड़ दो दे कुड अडेप्ट इन दैट क्लाइमेट तो चाहे वो कपड़े सील के अपने आप को गर्म रखना हो चाहे वो आग जला के अपने अपने को गर्म रखना हो या फिर थोड़े हट्स बना के एक विलेज छोटा सा कम्युनिटी बना के रहना हो थोड़े बहुत स्टोरीज उनकी स्टार्ट हो गई थी जिसे हम ये भी जानते हैं कि उनके बीच में काफी को लेबोरेशन थी तो काफी ग्रुप्स में रह रहे, रहे, रहे थे ग्रुप्स में रहने की वजह से उनकी स्किल सेट और जल्दी से डेवलप हो रही थी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ स्किल्स अपनी शेयर कर सकते थे तो, तो लर्न तो कर रहे थे लर्निंग चल रही थी तो कलेक्टिव लर्निंग उनकी काफी हो चुकी थी तो हम हम जानते हैं कि उनका अब हम जानते हैं कि इस टाइम पे सेवेंटी थाउजेंड ईयर ऑनवर्ड्स पिछले सत्तर हजार साल पहले से लेकर पिछले बीस हजार साल तक ये हंटर गैदरर्स काफ़ी मतलब जंगलों में ही रह रहे थे बट बड़े स्किलफुल थे और हमने एक बात किया था कि अफ्लुएंट सोसाइटीज़ की बात की थी कि इनफैक्ट कई कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि दे वर द मोस्ट अफ्लुएंट सोसाइटीज़ बिकॉज उनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी न्यूट्रिशन uh, की कमी नहीं थी तरह तरह का न्यूट्रिशन ढूंढ सकते थे वो स्किलफुल भी थे टाइम की कमी नहीं थी तो अपनी स्टोरीज भी बना रहे थे अपने कोलेबोरेशन कोऑपरेशन की वजह से काफ़ी लर्निंग भी चल रही थी तो अब सोचो कि ऐसी सोसाइटीज ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने वाले ऐसे कम्युनिटीज में 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 वाले thing, कि क्या वन थिंग बोलना ठीक होगा कि उस टाइम पे like like, we like yes, we oh. so मतलब मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ एक्चुअल में यही है कि कैसे अब ये स्पीशीज जो hmm. ये होमोसेपियंस बन गए हैं जिनके पास इतना पावरफुल है इतनी स्किल सेट है वो अब एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि कुछ सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन ऑनवर्ड्स अब थोड़ा आगे आ जाते हैं अपने टाइम स्केल पे कुछ फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स के आस पास आज से पैंतालीस हजार साल पहले, पहले के आसपास हमें एविडेंस मिला है कि हमारे होमोसेपियंस समझ लो अफ्रीका से निकले सेवेंटी थाउजेंड ईयर्स थोड़े एशिया में घुस गए मिडल ईस्ट एशिया में आए और थोड़े और ईस्ट एशिया साइड चले गए चाइना है जहाँ पे या फिर इंडिया है या फिर जहाँ पे इंडोनेशिया है समझ लो तो ऐसे इंडोनेशिया साइड आ गए हम जानते हैं कि वहाँ पे कुछ इनके विलेजेस भी बस गए थे छोटे छोटे गांव समझ लो बस गए थे जिनको फिशिंग विलेजेस मान लो कि शायद अपनी फिशिंग करते होंगे बैठ के ऑयल का प्रयोग कर सकते लैंप का भी प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पे ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था फोर्टी फोर्टी फाइव की पहले की बात हो रही है हम ये भी जानते हैं कि उसके बाद ये होमोसेपियंस किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुए फर्स्ट टाइम कैसे गए यार यारेलिया मेरे मैंने पहले भी सुना है ये पहले पहले बना लेते थे क्या वो इतने पहले? तो कैसे उन्होंने ओशन पार कर ली कई थियरीज हैं इसके ऊपर कि कैसे गए होंगे या तो यही है कि एक्चुअल में इसकी ये थियरी है दो तीन की एक तो है कि उनकी स्किल्स इतनी बढ़ गई थी कि वो शायद सही में शिप्स शिप्स मतलब छोटी छोटे बोट्स बनानी बना ली होगी उन्होंने प्लस क्लाइमेट भी उस टाइम पे ऐसा होगा आई से चल रही थी हमारे पिछले सेवेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड या सेवेंटी थाउजेंड ईयर्स से लेके लास्ट टेन थाउजेंड ईयर्स तक आई से चल रही थी तो एनवायरमेंट तो मतलब हमारे पूरा क्लाइमेट ठंडा था ओशन लेवल या सी लेवल्स काफ़ी डाउन नीचे थे तो हो सकता है लैंड जो एक्सपोज था या फिर जितना भी डिस्टेंस था आज की डेट में जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है वो उतना नहीं था तो कुछ तो लैंड था और शायद थोड़ा बहुत जो पानी होगा उतने शायद पानी को उन्होंने क्रॉस कर लिया होगा बोट्स के हो साथ और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी पहले मतलब <laughs> देन वो गूगल हैम हाँ, सही बात है उनको क्या पता धरती कितनी बड़ी पहली बात तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि धरती गोल है हां नहीं नहीं सही मैं तो मेरे जैसा कोई पूर्व होता बोलता कि नहीं यार आगे खाई गिर जाएंगे इसको ना इस बुक में बड़ा अच्छा एक चीज़ मेरे को याद आ रही है अभी तुम जिक्र कर रहे तो इसको एलिजाबेथ कोलबर्ट जो राइटर है सिक्सेशन में वो बोलती है कि एक इन आई थिंक चैप्टर का ही शायद नाम है बैडनेस जीन तो बोलते हैं कि हमारे होमोसेपन्स में कुछ एक पागलपंती होनी ज़रूरी है <laughs> तभी कोई जानवर अपने अच्छे खासे मतलब जगह को जहाँ पे खाने पीने को मिल रहा है या फिर उसकी <laughs> खाने पीने सोने को सब है उसको छोड़ के ऐसे समुद्र में निकल जाएगा जहां उसको पता नहीं हो क्या है आगे वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा सो so, कुछ एक पागलपंती तो होनी जरूरी है उस पागलपंती के आप ये अटेम्प्ट नहीं लगी एलिजाबेथ मैडम की बात इसे हिंदी में मैं कहना चाहूंगा इसको खुराफाती जीन हाँ। कुछ खुराफात है हमें मैं एक्चुअली इसके बाद में ये भी सोच थी कि या तो खुराफात थे या फिर एकदम ही बेवकूफ थे कि उनको शायद इतना था ही नहीं कि ठीक है कर लेंगे जो भी देख लेंगे आगे अभी तक तो, तो करते आ ही रहे हैं हमारे पूर्व जो भी आई मतलब <laughs> क्या hmm. पता आज हमें The ऐसा is लग रहा है <laughs> <you don't> <laughs> Seem like bravery, बट क्या टाइम पे या उस टाइम के आसपास जो लोग वो यार, है, है, तो हुँ, हुँ. हमारे में आए हुँ. सबसे पहले और ऑस्ट्रेलिया में फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स जब ये आए हम देखते हैं उससे पहले मैं एक और चीज जाना चाहूंगी तो देखो हमारी हमारी माइग्रेशन चल रही होमोसेपियंस की या ह्यूमन बीइंग्स हमारे पूर्वज हमारी स्पीशीज़ की होमोसेपियंस की तो इतने मिलियन ईयर्स तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका uh, ये भी लैंड तो थे इन पर भी जानवर पनप रहे थे अब इवोल्यूशन का खेल ऐसा चल रहा था कि वहाँ पे पनप रहे जानवर एकदम अलग तरह के थे मतलब उन्होंने वो अपने बेसिकली कट ऑफ थे एक तरह से तो जो पनप रहे थे वो अपनी इवोल्यूशन अच्छा ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप महाद्वीप हो गया, गया। कटावा था तो वहां पे जो जानवर परप रहे थे इवॉल्व हो रहे थे वो अलग तरीके से हो रहे और कोई और जानवर एक्सेप्ट फॉर होमो होमोसेपियंस हमें होमो सेपियंस को एक जानवर बता रहे क्योंकि आज हम पूरे एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो होमो सेपियंस भी एक जानवर ही है सही बात है तो जानवर उतने जानवर ठीक है कोई ऐसा जानवर नहीं था जो एक लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड में जाएगा क्रॉस करके कोई पानी को या ऐसा कहीं नहीं चल रहा था तो जो जानवर जिस लैंड पे था वहीं पनप रहा था उसकी इवोल्यूशन वहीं हुई तो हम अब देखो कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इनफैक्ट बिलियंस ईर्यर्स इन इन सम केसेस ये इवोल्यूशन चल रही है वहाँ पर जानवर पनप रहे हैं अपने वो एन्वायरमेंट पर उनकी फूड चेन सेट हो गई है हमने फूड चेन की बात की थी कि कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है फिर दूसरे तीसरे को खाता है जैसे चेन है बेसिकली राइट तो उसकी हर लैंड पे हर लैंड मार्स पे जैसे यूरेशिया बोलते हैं इसको लैंड मार्स अफ्रीका यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया कनेक्टेड है तो इस लैंड मार्क्स पे जितने जानवर थे वो एक साथ ही पन पे तो उनकी भी एक सेटिंग हो गई थी फूड चेन के अंदर हमारी मैंने बताया कि सेवेंटी थाउजेंड ईयर्स ऑनवर्ड हम थोड़े पावरफुल हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑल द स्किल्स दैट वी जस्ट टॉक्ट अबाउट इसलिए हम थोड़े फूड चेन में ऊपर आ गए थे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इट पहली बार कोई जानवर एक इस बड़े लैंड मास को छोड़ के ऐसे द्वीप पे गया जहाँ पे अलग ही तरह के जानवर हैं अब तुम सोचो फोर्टी फाइव थाउजेंड पहले जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे वो जब इस लैंड मास पे आए होंगे तो शायद जैसे इन वंडरलैंड होता है ना उसी तरीके से रहा होगा उनके लिए शायद अलग अलग तरह के जानवर दिख रहे हैं जो कभी देखे ही नहीं कैसा लगा होगा ना जो पहली पार्टी होगी <laughs> उनकी बोट लगी होगी कि गए अलग 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 जानवर जानवर पेड़ भी लग लग चाहता कैसे जानवर थे तो बड़े बड़े शेर टाइप मतलब शेर के कुछ कजन लगा लोग कैट फैमिली जो बोलते हैं अपने मतलब नॉर्मल शेर से कितने बड़े बड़े काफी बड़े साइज के मतलब ये नॉर्मल शेर मुझे पता नहीं या फीट में कितना बड़ा होता है उससे बड़े साइज के ऐसे बर्ड्स बर्ड्स बड़े बड़े साइज के बर्ड्स मतलब इतनी बड़ी कि मतलब हमारे मतलब स्टेबल के डायमीटर ले लो इतनी बड़ी होगी कम से कम चिड़िया हा, हाँ <laughs> और उसके पंख नहीं है क्योंकि वो इतनी बड़ी है साइज में तो उन्होंने शायद अपनी इवोल्यूशन में छोड़ दिए होंगे पंख डेवलप hmm. करने उनकी चल रही थी hmm. तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बर्ड्स बड़े बड़े स्नेक्स आ, बड़े, <laughs> बड़े 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 ऑस्ट्रिच देखा हमने ऑस्ट्रिच होता है जैसे कैसे चतुर्मुख हाँ ऑस्ट्रिच से भी बड़े बड़ी बर्ड्स थी ऐसे कैंग्रूव होते हैं जो हमने आ, फुदकते देखे ना हमने उनकी थैली रहती है एक जो थैली वाले जानवर अभी तो शायद कैंग्रू ही रह गया मुझे पता नहीं शायद और कोई जानवर रह गया नहीं इनको मार्सुपियल्स बोलते हैं जो अगेन उनके बच्चे इतने लाचार होते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं कई महीनों तक उनको पालन पोषण करते हैं और फिर वो अपना मतलब ग्रोथ हो जाती है तो ये मार्सुपियल्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में अलग से पनपे हैं ये कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो ये इनकी ऐसे हुई <laughs> कि ये ये, ये जानवर ही जो, जो देखा है जैसे अपने पेट में थैली कैंग छोटा बच्चा हाँ, सा रहता है हाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पनपे हैं पनपे तो ऐसे सिर्फ कैंग्रूव ही नहीं ऐसे और भी जानवर होते थे मार्सुपियल्स जो अपने बच्चों ऐसे थैली में लेके चलते थे तो ऐसे ऐसे जानवर थे और हम देखते हैं कि उन्हों, उन्होंने देखा होगा कि अलग अलग तरह के जानवर हैं सिर्फ अलग अलग जानवर ही नहीं अलग अलग पेड़ पौधे भी हैं मतलब पेड़ पौधे भी तो अपने आप अलग अलग, अलग पढ़ना पर है अपने। पूरा फ्लोरा, फौना दोनों ही अलग ही तभी तो मतलब कैंगरू मतलब कैंगरू जैसा जानवर कहीं और देखा ही नहीं किसी ने वही एग्जिस्ट करता है तो ये <laughs> जितने बड़े इनको इनको एक्चुअली बोलते हैं मेगा फोना फ्लोरा तो हो गया पेड़ पौधे फोना हो गया जानवर और मेगाफोना हो गया वो जानवर आई थिंक हमने मेंशन किया था आई थिंक डॉन ऑफ मैन में या ट्री ऑफ लाइफ में um, या फिर ग्रेट अडेप्टन आई थिंक आई डोंट रिमेंबर विच वन जहां हमने पे हमने, हमने लार्ज एनिमल्स किया कहीं तो किया है लार्ज एनिमल्स ग्रेट अडेप्टन में था आई थिंक लार्ज एनिमल्स की बात की थी उस टाइम पे हमने डायनासोर का मेंशन किया था बट अगर हम पिछले फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड के तक में तो ये थे मेगा अच्छा। मतलब आ, टेक्निकली स्पीकिंग इनको बोलते हैं कुछ हंड्रेड पाउंड से बड़े के ऊपर अच्छा। तो मतलब, uh, काफी बड़ी हो सकती हैं मतलब जैसे जिराफ फॉर एग्जाम्पल मेगाफोना इनफेक्ट गाय वगैरह भी मतलब गाय जीबरा कैंगरूज अब आज के डेट में तो इनको मेगाफोना में काउंट कर बट इससे बड़े बड़े जानवर मतलब मैमथ वो मेगाफोना का पार्ट है बड़े बड़े कैट मतलब बड़े बड़े कैट फैमिली के शेर चीते ये सब तो ठीक है हमारे पूर्वज करीबन पैतालीस हजार साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे किसी तरह देखा और उन्होंने जानवर ठीक है तो ये मेगाफोना बहुत ज्यादा थी ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वो पनपरी थी उनकी फूड चेन ऐसी सेट हो गई थी हम देखते हैं कि जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस ने अपने पहले कदम रखे उस आइलैंड पे उसके कुछ हजार साल के अंदर अंदर ये मेगाफोना जितने भी थे ना ये सब एक्सटिंक्ट हो गए मतलब ये गायब हो गए इनफैक्ट कई कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन नंबर्स मुझे एग्जैक्टली exactly नंबर याद नहीं है पर कुछ समझ लो कुछ चौबीस या पच्चीस स्पीशीज थी इनकी ऐसे समझ लो स्पीशीज ऐसे

मतलब क्या हमने मार दिया सबको तो इसकी अब इसके जो आ, जो एं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एंटी थीसिस देने वाले बट जो इसको नहीं मानते वो बोलते हैं कि नहीं यार क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब एनवायरमेंट में चेंज आता है तो इनके हैबिटेट्स जो जिस जिस वातावरण में जिस जगह पे ये जानवर जी रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो इस चक्कर में स्पीशीज़ भी खत्म हो जाती है तो उनका मानना है कि शायद नेचुरल कॉजेज से ऐसे चली गई होगी तो कई साइंटिस्ट ने फिर पता किया कि अच्छा देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज कब कब हुआ <laughs> तो उन्होंने जब जाके देखा तो उन्होंने पाया कि हमारी सही बात है कि हमारी क्लाइमेट हमारे आइस एज चल रही थी पिछले सत्तर साल से लेके पिछले दस हज़ार साल तक और पीक इस पूरी आइस एज का सत्तर साल पहले आया था या फिर पिछले दस साल पहले आया दस हज़ार साल पहले आया था ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स का अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो हर मिलियन साल के हर हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स के अंदर एक आइस एज जरूर आई है तो फिर सारे बोलने लगे कि भाई उतनी सारी आइस एज अगर ये सारे एनिमल्स सरवाइव कर गए थे hmm. ऐसा क्या हुआ इस आइस एज में <laughs> कि hmm. ये मर गए तो उनके हिसाब से सरकमस्टेंशियल एविडेंस बहुत सॉलिड हाँ, था कि सरकमस्टेंशियल एविडेंस दैट्स द वर्ड कि ऐसा क्या कि हुआ दीस एनिमल्स सीम्स टू हैव सरवाइव्ड लाइक द हार्शेस्ट ऑफ वेदर्स बट ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य और हजार साल में सब गायब और, हमेशा फिर दूसरे कई बोलते हैं कि नहीं नहीं यार होमोसिप जैसे मरे हुए से मतलब छोटे से इतने बड़े बड़े जानवरों के आगे क्या थे मतलब वो उल्टा बड़े जानवर इंसानों को मार सकते थे इतने बड़े थे वो और हमारे पास ऐसे कोई सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी नहीं थे मतलब ज़्यादा ज्यादा क्या हो गया? भाले होंगे हमारे पास या तीर होंगे हमारे पास तो इसके लिए फिर आता है इवोल्यूशन से ही आंसर आता है इसका कि कैसे ये जो जानवर है अब सोचो ये जानवर अपने मिलियन मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व कर रहे हैं अपने अकेले ठुकेले <laughs> इस आइलैंड पे सडनली कोई एक ऐसा जानवर आता है जो दिखने में तो छोटा सा मरावा सा लगता है जिससे उनको डर नहीं लगता उनको उनको लगता ठीक है ये क्या करेगा ये तो क्या तो उनके अंदर वो कभी फियर डेवलप ही नहीं हुआ ओह नाइस पॉइंट मैं समझा तेरी बात नहीं तो हम हमेशा यूरेजिया में रहे तो हमारी इवोल्यूशन यहाँ के जानवरों के साथ हुई तो यहाँ के जानवर जानते हैं ये जो है स्पीशीज भाई <laughs> है, बच के रहो जो भी है मतलब बच गई

उन्होंने तो कभी मनुष्य को देखा ही नहीं एकदम थी उनको नहीं। लगा, ये क्या मैं इतना भारी, उन, से क्या डेवलप तो so ही नहीं हुआ तो उनको पता ही नहीं था कि इनसे भागना है क्या करना है और मतलब इतना मिलियन ईयर्स में चलता है ऐसे नहीं है ना कि ओवर हंड्रेड ईयर टू हंड्रेड ईयर्स उनमें शायद कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज रही होगी तो शायद फिर भी थोड़ी बहुत लर्निंग कर सकते हैं या अपने अपने स्पीशीज hmm. में शेयर कर सकते हैं जैसे हम शेयर कर देते हैं लर्निंग्स कि हाँ भाई जिस वायर में करंट है उसको टच मत करो तो अपने बच्चों को सिखा सकते हो तो एक्चुअली इट्स वेरी डिप्रेसिंग कि मतलब बेचारे बड़े बड़े जानवर hmm. एकदम से उन, उनकी गलती नहीं कुछ नहीं कहीं से आए मनुष्य इनफैक्ट दैट रिमाइंड मी मैंने भी रिसेंटली कहीं देखा था कि केरला में एक बहुत डिप्रेसिंग सी एक न्यूज़ आई केरला से निकल के एक हाथी को किसी ने पता नहीं कोई फ्रूट पाइन या क्या उसके अंदर फायर क्रैकर डाल के खिला दिया सुना था मैंने वो हाथी तड़प रहा था उसके पेट के अंदर उसने जो खाया फटा के चल रहे थे वो जरा पानी में जाके बैठ गया और शायद मर गया उसके बाद मैं मेरे को ना मतलब ये न्यूज और ये जो जॉर्ज फ्लॉइड की न्यूज आई ये दोनों ने काफी शेकअप किया कि यार क्या मतलब इंसान में कई बार क्या भूत चढ़ जाता है कि दूसरों को तड़पाने में मजा आता है हमें और कोई जानवर ऐसे एक दूसरे को तर, तो नहीं होगा। एक दूसरे को मारते हैं है तो उनमें वेरी सैड न्यूज सो मेंशन इट एम थिंकिंग यार आज तो फिर भी इतनी वीडियोस बन जाती है फिर भी हम ऐसी हालत हरकत कर सकते हैं तो आज से पैतालीस हजार साल पहले तो हमने क्या क्या किया होगा यार और कौन रिकॉर्ड रख रहा था तो एक तो देखो ये है कि इवोल्यूशन से ये आंसर आता है और सेकंड एक और बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये जो सिर्फ ईयर ही नहीं बट ये जो जानवर हैं सोचो जितने हमने देखा इवोल्यूशन में जितने बड़े बड़े जानवर रहे हैं वो बड़े साइज़ के उसी तरीके से बने हैं जिस तरीके से उनका उनकी उनकी स्पीशीज़ में उनका प्रोपेगेशन होता है कहने का मतलब कि कितनी स्पीड से वो फैल सकते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्सिटी झेल पाएगी वो स्पीशीज तो जैसे छोटे जानवर होते हैं जैसे चूहे तो उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है पर वो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोपिगेट भी करते हैं मतलब अपनी रिप्रोडक्शन उनकी बहुत फास्ट होती उनकी है उनकी जनरेशन जल्दी आ सकती जल्दी आ सकती है ऐसे जितने बड़े जानवर होते हैं ना उनका जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड मतलब उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है या फिर उनका रिप्रोडक्शन जो साइकिल होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है तो एक तो उनका प्रेगनेंसी पीरियड भी बहुत बड़ा होता है hmm. और उनका रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा होता है कि समझ लो 20 साल में एक बार बच्चे करते हैं तो अपने ह्यूमन सेट oh हो, हो गया तो अगर

एक आइलैंड में या एक ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है बोल सकता है बट बड़ इतना बड़ा एक इसलिए उसको कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है hmm. एक ऐसे बड़े लैंड पे अर्थ के जहाँ पे इवोल्यूशन के मिलियन ऑफ मिलियंस ईयर्स से कुछ स्पीशीज पनप रही थी उनके बीच में फूड चेन सेट हो गई थी सडनली कोई एक ऐसा जानवर आता है जिसके अंदर एक मैडनेस का जीन है वो धीरे धीरे करके उसको आसानी भी हो रही है इनको मारने में ऐसी चिड़िया जोड़ती नहीं है इतनी बड़ी साइज के मारो ऐसे कैट्स हैं जिनको जो हमें नहीं मार रही अगर हम उनको मार सकते हैं तो हम मारो ऐसे जानवर हैं जिनमें हमारे प्रति डर नहीं है तो उनको मारो तो हम हमें मनुष्य को बहुत बुनैा लगा होगा उस टाइम पे कि अरे वाह यहाँ तो हम तो हम तो उसमें हाँ, आ गए बट नाउ दैट नाउ दैट यू मेंशन इट आई एम थिंकिंग शायद खुराफात से ज्यादा तो मे बी अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज खूंखार जानवर हां खूंखार बड़ा खूंखार जानवर उन है। है। जानवर है। जानवरों के के पर्सपेक्टिव से सोचो तो हां वो यही बोलेंगे कि ये कैसा सोचो अब आज की रेट में मतलब अगर ऐसा कोई जानवर आ जाए जैसे कोरोना है वो जानवर नहीं है बट नेचर का एक ऐसी चीज है जिसने पूरी ह्यूमन जाति को डरा के रखा है ये बात तो सही है तो ऐसे पता नहीं ना नेचर में तो कोई भी कुछ भी आ सकता है किसी भी स्पीशीज को analogy, तो कहना चाह रही <laughs> है हा? हम मनुष्य जाति पे वैसे ही मनुष्य जाति ने कहर मचा मचाया होगा हर उन, जानवर उन स्पीशीज की परस्पेक्टिव सोचो हम तो फिर भी इतने इंटेलिजेंट है की इसके बारे में जान पा रहे हैं और अपने आप को प्रिवेंट कर पा रहे हैं वो तो इतना शायद वो वो नहीं कर पा रहे होंगे तो सोचो उस आइलैंड पे या ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंट पे पूरी की पूरी फूड चेन एडजस्ट हुई वापस से मतलब ये सारी डिस्टरप्ट हो गई पहले और फिर अभी पिछले समझ लो चालीस हज़ार साल में कुछ वहाँ पे जो भी, भी फूड चेन है वो है पर भयंकर डिसरप्शन भयंकर डिसरप्शन की मतलब समझ लो पच्चीस पीशीज में से चौबीस पीशीज खत्म हो गई आई अंडरस्टैंड एंड एंड आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑल्सो तो कहना चाह रही थी वाई दिस इज अ मास एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट क्योंकि

सो so, कुछ हंटर गैदरर्स अब हम एक और मैं चीज़ बताना चाहोगे तो कुछ हंटर गैदर्स हमने मैंशन किया था कैसे बेरिंग स्ट्रेट करके कनेक्ट करता है रशिया और नॉर्थ अमेरिका को hmm. है ना उधर hmm. से कनेक्ट होते वो कैनेडा मतलब जो आज कैनेडा है उसमें चले गए थे माइग्रेट करते हुए तो हम देखते हैं सेम ही कहानी रिपीट होती है अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका में भी मेगाफोना बहुत ज़्यादा थे बड़े बड़े Mammoth, जिनको बोलते हैं। पे एक की फैमिली, जो, जो, हाँ, हाँ, uh, तो हाँ, जो दिखाए या फिर यहाँ पे एक और नाम से बोलते हैं मैस्टर डॉन आई थिंक नाम होता है ओके गूगल वट इज अस्टर डॉन देखो साइंटिफिक नेम मैमट देखो पता है एक इंटरेस्टिंग कहानी एक्सटिंक्ट so, uh, आज से करीबन 20 पच्चीस हजार साल पहले हम अभी जिस धरती पे अभी जिस लैंड पे है ना mm वहाँ पे मैमथ घूमते थे हाँ। तो ये मास्टरडॉन उसी की फैमिली का ही पार्ट था अच्छा। तो मैमथ एंड मास्टरडॉन दे वर ह्यूज

और बड़े-बड़े मैस्टोडॉन मैमथ और यहाँ पे बड़े-बड़े बड़े तो, कैट्स थी हम तो गुट में शिकार कर रहे थे इनका तो ये सक नहीं पाए हमसे इवन दो ये इतने बड़े थे हमसे ये कुछ 15000 इयर्स की बात आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग कि जब ये नॉर्थ अमेरिका में हमारा माइग्रेशन हुआ था उसके आसपास ही समझ लो बस लास्ट मैमथ हमने 4000 साल पहले देखा है यहां पे चार चार साल पहले तक थे ए ए एक एक आधे महमत रखे होंगे मतलब जो क्योंकि कनाडा में तो बर्फ जमी रहती है ना कौन जाता है वहां पे मतलब अब हम लेकिन हम चप्पे चप्पे में पहुंच गए हैं आज की डेट में तो धरती का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मनुष्य शायद नहीं गया तो कहना चाह रही है अफ्रीका से जो माइग्रेट हो रहे थे हम जहाँ जहाँ गए हमने खून खा यही सेम कहानी रिपीट हुई है इनफैक्ट तुम्हें याद है अपने एम्बार के डेरो पर एक ऐसा ऐसा पीस पीसा बनाया उन्होंने जिसके अंदर मेंशन किया है का यहाँ की ओरिजिनल जो यहाँ पे कैट्स होती थी कैट फैमिली की कैट्स थी या फिर स्लॉथ यहाँ पे बड़े बड़े स्लॉथ होते हैं सामने खिंचा वो, अच्छा, वो ब्रिज के और अपने के बे के जो कल सा भी पड़ा है ना ब्रॉन्स का वो आई थिंक वो कोई एक्सटिंक्ट

वही सेम कहानी रिपीट हुई यहाँ पे भी तो ये ये बड़े जानवरों को ही क्यों टारगेट किया हमने वर द इजीियर टू किल जस्ट बिकॉज़ मीट एक को मारोगे तो कितने दिन तक चलेगा तुम्हारा खाना पीना एंड दे वर इजीियर आल्सो बिकॉज़ दे वर स्लो दे डिडंट हैव द फियर द इनेट फियर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आई सी एंड आल्सो बिकॉज़ दे गॉट एक्सटेंड ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड एंड द रिप्रोडक्टिव रेट

हम जज नहीं कर रहे पर उनके बारे उनके जो कार्य हैं उनके बारे में तो डिस्कस करना right. जरूरी learn, है learn हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर हम उनके कार्य के बारे मतलब उनके कर्मों के बारे में जान पाएंगे तभी हम आज ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो या तो उन कर्मों को तुम जस्टिफिकेशन ले सकते hmm. हो कहते हैं ना कि किसी भी काम के बारे में अगर तुम्हें पता चल गया कि अच्छा इस काम का रिजल्ट क्या था या क्या हुँ, है अब हम जानते हैं कि उनके इस काम की वजह से पूरे नॉर्थ अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका की सब फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ के एनिमल्स मर गए यहाँ की स्पीशीज खत्म हो गई इतनी बड़ी बड़ी तो हम ये जानते हैं कि हमारा भी आज की डेट में भी अगर हम सेम ही काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा no, no, कि ठीक है यार हाँ, उन्होंने भी तो किया था हम भी करेंगे hmm. या फिर यू कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम दैट एंड इट कि ठीक है यार उन्होंने किया था लेकिन आज हमें पता है सो देर इज नो एक्सक्यूज इनफैक्ट इज फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री हम ये इसलिए कर रहे हैं हमने कई बार बोला हम खुद की हिस्ट्री समझना चाहते हैं क्योंकि ना सिर्फ हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं बट जब तक हम अपनी हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो हम 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 आजादी कैसे पाएंगे एग्जैक्टली exactly. लिबरेट कैसे करेंगे तो बस वही वही एक्सरसाइज चल रही है अभी <laughs> तो ये तो देखो हमारे हंटर गैदर्स की कहानी हो गई कि हमारे हंटर गैदर्स ने ये इतना इम्पैक्ट किया पूरे कॉन्टिनेंट्स पे किया यार मतलब तो सोचो सिर्फ यूरेशिया को और अफ्रीका को शायद छोड़ के बाकी जितने लैंडमार्कस थे वो ह्यूमन बींग होमोसेपियंस के बिना पनप रहे थे और जैसे ही होमोसेपियंस वहाँ पहुंचे है, हैं सेम मास मासन इवेंट हम वहाँ दिखते हैं तो एक छोटा सा और मैंशन करूँ मैं ये तो हो गई फर्स्ट वेव हमारी सेकेंड वेव आती है जो हमारे थोड़ी फार्मिंग सोसाइटीज़ uh, आ गई थी फार्मिंग सोसाइटीज़ के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जिक्र करूंगी मैं बट क्योंकि तो हाँ तो थोड़ा आगे जा रही हूँ मैं और उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बट क्योंकि आज हम इनके हम होमोसेपिनस के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बड़ा ब्रीफली उसके बारे में मैंशन करना चाहती हूँ ऐसे हम देखते हैं कि फार्मिंग सोसाइटीज़ जब पनपी तो पोलिनिजन आइलैंड हैं जो हवाई आइलैंड है फी फी जी भी यहीं आता है क्या कई अच्छा। so, <laughs> <laughs> <मैं ना. laughs> so, मतलब सारे आइलैंड्स हैं तो उन आइलैंड्स पे कोई नहीं था कई मिलियन अब भी मतलब थोड़े पंद्रह सौ सालों तक कोई नहीं था मतलब पिछले फिफ्टीन हंड्रेड बी के आसपास यानी कितना हो गया दो हजार साढ़े तीन सौ साढ़े तीन हजार सॉरी हाँ साढ़े तीन हजार साल पहले तक वो अनटचड मतलब आइलैंड थे तो उनके पास अच्छी खासी बोट्स थी तो देखो ट्रेवल्स तो पेसिफिक ओशन में सोचो वो अपने अपने नावों को लेके पहुंचे हैं इन आइलैंड्स पे न्यूजीलैंड ऐसे एक आइलैंड था उधर कोई ही नहीं गया था तो पहली बार ये जो फार्मिंग हमारी कम्युनिटीज रही होंगी हुँ। ये पहली बार जब इन आईलैंड पे गई तो अपने साथ ये कुछ जानवर लेके चलती थी तो, तो कुछ बताते हैं कि इनके पास रैट्स होते थे कुछ चूहे <laughs> चूहे तो ये जो रैट्स थे ये अपने साथ लेके चलते थे कि ताकि भूखे ना मरे इनको मार के खा लेंगे रास्ते में अगर तो देवर लाइक फूड स्टोर स्टोरड फूड मतलब जिंदा भी रहेंगे अपने आप में पनपते भी रहेंगे तो उनको मार मार के खाते रहेंगे तो ये अपने साथ लेके चलते थे तो जैसे ही इन आइलैंड्स पे गए हैं अब वो ऑब्वियसली वो रैट्स भी खुल गए वहाँ वो रैट्स वो निकल गए चूहे भी नहीं होते थे उन आइलैंड्स में ये थे ही नहीं कभी ये जानवर थे ही नहीं ये एक नया जानवर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उस आइलैंड पे इनको इनको साइंटिफिक टर्म से बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज मतलब जैसे हम कट नहीं लगाते अपनी बॉडी पे इन्वेसिव सर्जरी करते हैं जैसे तो इस तरीके से समझ लो हमने कट कर दिया उन आइलैंड्स के अंदर इन स्पीशीज को होगा तो न्यूजीलैंड में वही सेम कहानी थी ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइटलेस बर्ड्स थी मतलब उनके नहीं थे से चूहे सारे आ जाएंगे। हाँ, और वो अपने पनपरी थी वहां पे इतनी सारी फ्लाइटलेस बर्ड्स थी वहां पे इतने सारे तरह तरह के स्नेक्स थे इतने ये चूहे गए और इन्होंने सब ऑलमोस्ट सारी बर्ड्स खत्म कर दी जो उड़ नहीं सकती थी तो ये हमने तब ऐसा किया और तो, तो हम हम डायरेक्टली ही नहीं बट हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ ने भी बहुत, बहुत किया है। किया। हाँ कि हम अपने खुद से एक्सप्लोरेशन जब भी हमने की है तो हम या तो हम ही खुद इन्वेसिव स्पीशीज बन गए या फिर हमने कोई और स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी तो बड़ा so, और हंटर गैदर्स ने किया हाँ, ये तुम्हें बताया ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आगे जा रही है फार्मिंग पे भी हाँ, मेरे को अभी तक एक चीज समझ में आ गई कि मतलब सिंस वी स्टार्टेड टू गेट पावरफुल एज अ स्पीशीज एज अ कलेक्टिव स्पीशीज तो ऑब्वियसली विद डेट पावर हम काफ़ी डेंजरस भी बन गए तो हमने हुँ। दूसरे जानवरों पर दूसरी स्पीशीज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा हाँ, पर अभी तक तूने जितनी वो कहानी बताई है इन सबसे मुझे ये एक्सटिक्शन इवेंट समझ में नहीं आ रहा फील लाइक आर इम्पैक्ट इज स्मर सो लाइक तो मैंने तुम्हें तो पहले बताया कि राइट right? मैं अभी फर्स्ट वेव की बात की हमारे हंटर गैदर्सेंड वेव आई हमारे फार्मर्स की थर्ड हाँ। वेव अभी करंटली चल रही है पिछले दो सौ तीन सौ साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से और ये इतनी मैसिव वेव है जो सुनामी की सबसे बड़ी वेव आ सकती है बेसिकली वो है जिसका कोहराम शायद इतना मैसिव है कि शायद हम एज अ स्पीशीज नहीं बचें इस वेव के अंदर हम ये भूल गए हैं कि हमारा इतना इम्पैक्ट है कि हम भी तो इसी वर्ल्ड का पार्ट है आ, मैं समझ और मैं इस वेव के बारे में आज मेंशन नहीं करना चाहूंगी जब हम

और हम देखते हैं कि ओशन की जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो फिर भी बची हुई हैं हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पर इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन हमारे हंटर गैदरर्स की वजह से या फिर हमारे फार्मिंग की वजह फार्मिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत पड़ा बट इतना ज़्यादा नहीं था अब तो हम इतने मैसिव स्केल पे कर रहे हैं कि सिर्फ लैंड एनिमल्स ही नहीं सब ओशन एनिमल्स सी एनिमल्स बर्ड्स कुछ नहीं छोड़ा हमने, I understood. <laughs> तो कहना चाह रही है कि ये कहानी शुरू हुई थी हम ये पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है रिपीट वेव रहा। की इंटेंसिटी बढ़, बढ़ रही है, है। पर ये शुरू हुआ था आज से पैंतालीस हजार साल पहले जो फर्स्ट वेव आई थी हाँ। जब हमारे हंटर गैदर बस पावरफुल होना चालू किया था हाँ। उन्होंने चालू किया था

इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के टाइम ता, से जब से बताइए थर्ड वेव चल रही है अभी हम इतना मैसिव कर रहे हैं। कैसे दो दो महीने तीन तीन महीने वर्ल्ड की सारी बड़ी 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 सिटीज बंद ही हो गई टप हो गई तो ये काफी पहले न्यूज में आ ही रहा था ना कि कैसे क्लाइमेट पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इसका मैंने देखा है वो पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखा है मैंने दिल्ली बहुत बार देखी है बट वैसी तो कभी नहीं देखी इतना नीला नीलासमान hmm. इतने ग्रीन ग्रीनों ग्रीन पत्तों का कलर आ, ही अलग नजर अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि द वर्ल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं शेयर करूंगा उसमें दिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सिटीज मतलब मतलब ऐसी प्रिस्टीन कंडीशन में दिख रही है <laughs> नए नवेली दुल्हन की की तरह वेनिस बोल रहे हैं डॉल्फिन्स आ रही हैं वो कभी दिखी नहीं जेलीफिश घूम रही है

के बारे दो साल पहले बोलता अगर कोई यार अगर सारी हमारी इकोनॉमिक <laughs> एक्टिविटी बंद, बंद हो जाए, जाए। तो वॉट विल बोले यार ये तो सोच ही सकते हैं <laughs> <laughs> <that> <laughs> इस, इस चीज को मेजर करने ah. के लिए के, कैसे इम्पैक्ट पड़ा right. इसका ह्यूमन एक्टिविटीज के जाने right. से क्या इम्पैक्ट पड़ा क्लाइमेट पे चाहे इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन ले लो इन टर्म्स ऑफ Right. अपना <laughs> हमारा जो जानवर लोग ले लो अब जानवर एक्चुअली मैं मैं एक पता नहीं जोक रही थी वो सोच सोच जानवर लोग रहे हैं क्या ये अंदर पिंजरे में क्यों है सब mm. और वो आराम से घूम रहे बाहर mm. तो ये बहुत अजीब सी एक ah. अपने आप एक अचानक से एक एक्सपेरिमेंट एक हो गया इंटरेस्टिंग जिसको शायद बहुत ही अच्छा लगा मतलब स्वीट बिकॉज एक तो है ना जब तक मुझे खुद को ही नहीं समझ में आएगा कि मेरे एक्शन्स क्या कर रहे हैं सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड लाइक आई जस्ट अ लॉट ऑन ऑल्सो माई एक्शन की मेरे एक्शन की वजह से क्या हो रही है पर दूसरी चीज ये मैं सोच रहा हूँ लाइक like मेरे को ना एक वैल्यू बहुत बढ़ गई है ऑफ जस्ट स्पीशीज लाइक मैं कभी सोचता नहीं हूँ मच्छर चूहे कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े कि ये सब भी हमारी तरह प्राणी है यार हम

क्योंकि हमारे जैसा हमें और कोई जानवर दिखाई नहीं देता है और खत्म ही कर दें लाइक like उसके साथ अगर हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है तो शुड बी बी लाइक द हाँ बिल्कुल बिल्कुल बट इट्स ईजियर टू नॉट डू दैट दैन टू डू दैट राइट जो हमें कोई मिल जाए हमारे जैसा सेम ही प्राणी तो शायद हम फिर भी सोचेंगे हाँ यार ये भी तो है अब जब है ही नहीं तो इट इज़ हार्डर फॉर अस टू थिंक कि अच्छा हाँ यार इन जानवरों का भी ख्याल रखो ये जो गाय हैं बंदर है एंड अगर मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँ कि कैसे हमने सिर्फ इन जानवरों के साथ ही नहीं हमारी खुद के जो हमने याद है मैंशन किया था कि कैसे हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते थे हाँ कैसे हमने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही काम किया हमने ही मतलब लाइक like, सेपियंस जो स्पीशीज है इसके लिए मैं तुम्हें तो एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि हमें पता कैसे चला ये इसके बारे में तो कुछ एटीन के आसपास जब डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी तो उस टाइम पे कुछ आई थिंक फ्रांस में या जर्मनी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वहाँ पे किसी केव में हमें बोन्स मिली हड्डियाँ मिली और हड्डियों को देख के इमिडिएटली ऐसा लग रहा था कि हाँ ये किसी शायद मनुष्य की हड्डियाँ हैं लाइक हमारे मतलब मनुष्य होंगे उस केव के जो कोई पुराने हुँ. उधर उनकी हड्डियाँ तो जब उनको एनालाइज किया गया तो पता चला कि नहीं नहीं वो तो होमोसेप जो हमारे स्पीशीज़ है होमोसेपिय जो हम बोलते हैं वो उसकी नहीं है हड्डियाँ वो किसी और ही तरह के मनुष्यों की हड्डियाँ थी तो, तो उनकी उस... हड्डियों में ऐसा क्या अलग था जैसे कि हमारी जैसे दिखती भी थी और अलग भी थी उनका स्कल थोड़ा बड़ा था उनका स्कल जो है ये पीछे थोड़ा तो टिल्टेड सा था उनकी जॉ लाइन थोड़ी डिफरेंट थी तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और आई थिंक वो जहाँ मिली थी उस जगह का नाम है नियाडर नियांडर थर वैली अच्छा। इसलिए उनका नाम नियान्डर हल रखा गया है <laughs> वैली आई थिंक ऐसा कुछ नाम है तो इसके बारे में जब डार्विन की बुक आई थी तो आई थिंक डार्विन की एक और भी बुक आई थी आगे भी उसका नाम मुझे याद नहीं है तो उस बुक के अंदर डार्विन ने मैंशन किया था कि हाँ इट सीम्स लाइक जैसे इवोल्यूशन होती है लाइफ की उससे ऐसा लग रहा है कि शायद हम हम इस जो भी ये मिली हट इससे इवॉल्व हुए मनुष्य शायद किसी को नहीं पता था कि उस टाइम पे कि हमारे कोई और ही तरह की स्पीशीज़ हैं या गैसब स्पीशीज हैं। अच्छा कुछ, <laughs> ये ये फिर से मैं तो लेके चल रहा था हाँ, तूने तुमने को पहले कहानी बताई थी बट इस चीज की खोज हुई थी खोज हुई थी 1850s के में। हाँ कुछ 1900s अर्ली 1900 1905 या 1906 के आसपास कोई और ऐसे नेचुरलिस्ट आए उन्होंने जब ये हड्डियों को एनालाइज किया तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि वो जो ये जो मनुष्य है या हमारे पूर्वज है जो भी है ये नियंडरथल जिसको हम बोल रहे हैं ये कैसा दिखता होगा तो उन्होंने जब एनालाइज की उनकी हड्डियां वगैरह तो पता चला कि वो ऐसे बैकबोन ऐसे झुकी बैक हुई थी ऐसे झुके हुए और शायद बंदर जैसे होते हैं ना जैसे चिमपैजी कैसे ऐसे झुकके चलते हैं तो इस तरीके से शायद होगा वो जो भी वो स्पीशीज मिली और वो ऐसा लग रहा है कि शायद चिम्पैंजी और मनुष्य के बीच में कहीं रहा होगा अच्छा तो उन्होंने उसको बड़ी एक इमेज निकाली उन्होंने कि जैसे चिमपैनजी दिखता ना पूरे बाली बाल ही बाल और रीच जैसा। रीच जैसा और ऐसा उन तो सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ हाँ ऐसे ही होगा जब ये वर्ल्ड वॉर वन आई वर्ल्ड वॉर टू आई तो जब मनुष्यों की मनुष्यों का बिहेवियर दिखाना इन वॉर्स के अंदर कितना क्रूअल और खूंखार हो सकता है तो नाइनटीन के आसपास कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे कि जो पुरानी वो हड्डियाँ मिली है ना ज़रा एक बार ही उनको एनालाइज और अच्छे से किया जाए कि क्या पता वो कुछ ऐसा ऐसा क्लू निकाल दे हमारी इस क्रूल क्रोअल्टी के बारे में तो साइंटिस्ट इंटरेस्टेड थे कि हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए और हिस्ट्री जानने के लिए नियंडरथल की बोन्स थी तो उन्होंने जब पता लगाया तो उनको उनको पता चला कि जो हड्डियाँ थी वो वो एक्चुअली उस जो जिसकी भी थी जो हमारा एनसेस्टर रहा है पता नहीं था कि वो भी हमारा एनसस्टर नहीं है वो अलग ही स्पीशीज़ थी पता चला कि उसको आर्थराइटिस था मतलब जैसे हमें होता है तो हमारी हड्डियाँ जिसको आर्थराइटिस होता है उसकी हड्डियाँ वैसे झुक जाता है या उसका पॉस्चर ही चेंज हो जाता है तो उसका वो मिला तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एक सेकेंड एक सेकेंड जो इमेज थी ना जो जो हमने पहले इमेजिन किया था कि वो झुका हुआ होगा चिमपैनजी की तरह होगा वो गलत है वो हमारी तरह ही थे स्ट्रेट चलते थे बाल नहीं थे उनके हमारे जैसे चिमपैन के होते हैं और इनफैक्ट वो इतने हमारे जैसे थे कि अगर आज उनकी को शेव करके जो हम याद है हमने मोरल ट्राइज वाले एपिसोड में शायद इसका मेंशन किया था कि उनको शेव करके और अच्छे से सूट वूट पहना दो तो शायद तुम डिफरेंस नहीं कर पाओ कि वो नियाड्र थल है और ये होमोसेपिय है इनफैक्ट इस बुक में सिक्स एक्सटेंशन में एक उसकी एक इमेज भी है और मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि एक म्यूजियम में उन्होंने एक्चुअल नियांडा थल को शेव करके ऐसे लगाया हुआ है और लोग उसके साथ पिक्चर कराते हैं अपनी अच्छा। <laughs> सूट वूट में तो उन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया तो उन्होंने बताया कि एक सेकेंड एक सेकेंड सेकें, ये तो हमने इतना जो सौ साल से जो हमने ये सोच रहे थे ये ऐसा कुछ नहीं है वो हमारे ही कज़न या हमारे ब्रदर सिस्टर्स ही थे अलग स्पीशीज़ थी बेशक तो ये तो तब तक एस्टेब्लिश हो गया था कि नहीं नहीं वो गलत इमेज थी ये ऐसी इमेज है अभी टू थाउजेंड ईयर जब दो हजार साल अभी आया अच्छा बीस साल, साल पहले तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक आया था जब हमने अपने पूरे जीनोम को हमारे हमने जीन्स की बात की थी याद है कि कैसे हुँ. हमारे डीएनए होता है वो हमारा लाइब्रेरी है ऑफ कोड तो उसको हमने मैप कर लिया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम ये था कि ह्यूमन के जीन्स को पूरा एक वन ए टू जेड मैप कर लिया जाए मतलब कि, कि कैसे क्या फंक्शन आ, रहता है नॉट फंक्शन बट ये ये मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल क्या है जी यहाँ पे आंखों के कलर वाला है जी, हाँ, यहाँ पे इसका अभी तक, तक है। इतना नहीं पता है कि कौन सी जगह क्या है बट इन्होंने पूरा वो बाय मॉलिक्यूल ऐसे लंबी लाइब्रेरी की तरह निकाल लिया ठीक है कि ये है हमारा हमारा सॉफ्टवेयर कोड निकाल कोड हाँ तो जब ये आया हमारे पास इसका मतलब टेक्निक्स आ गई थी हमारा जीनोम रीड करने की तो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि क्या हम अपने इन एंसेस्टर्स की के कोड को रीड कर सकते हैं और क्या पता लगा सकते हैं वो हम सबसे कितने सिमिलर थे या कितने डिफरेंट थे तो जब ये आया तो अब भी जस्ट टू या टू में एक साइंटिस्ट थे उन्होंने नियंड्रित के पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया अच्छा। मतलब सिकवेंस मतलब यही रीड किया तो उनको पता चला सब अब तो हमें पता है ये चीज़ कि हम पहले बार जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में कि उनका जीना और हमारे जीनों में ज़्यादा डिफरेंस था ही नहीं कभी फैक्ट कई सारे ऐसे ह्यूमंस आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं स्पेशली वो लोग जो आउटसाइड ऑफ अफ्रीका हैं अफ्रीका से बाहर क्या है यूरेशिया मतलब यूरोप है एशिया है जो यहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते हैं तुम मैं सब इन लोगों में कुछ एक से चार परसेंट तक ऐसा जीन है हम में जो एक्चुअली न्यान्डर से मैच करता है हमारे जीनों का चार परसेंट तक जीन्स ऐसे हैं जो निया से मैच करते हैं तो वहां से फिर ये थ्योरी आई कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इसका मतलब तो हमने हमारे एंसेस्टर्स ने और न्यान्डे से मिल भी कभी रिप्रोड्यूस किए हैं।, हैं हाँ तभी तो ये आ सकता है ऐसे कैसे आ गया नहीं तो हमारे में तो तो ये वहाँ से आई तो अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हमने बहुत बड़ी चीज बोल गई तू होमो हाँ। जो हमारी स्पीशीज है हाँ। और जो टेक्निकली अलग स्पीशीज है उनके बीच में बच्चे हुए थे हाँ तो वो अलग स्पीशीज तो नहीं हुई हाँ मतलब अलग स्पीशीज नहीं थी अब तक हमें पता नहीं था अभी जस्ट पता चला पिछले दस साल में और उसके साथ हमें यह भी पता चला कि हमने जब उनको सीक्वेंस हमने हमने उनकी हड्डियों को सीक्वेंस किया जिस लोकेशंस पे वो मिली उनको देखा हमने देखा कि कैसी ग्रेव्स मिली हैं जहाँ पे उनकी हड्डियाँ थी कि एक किसी जिसकी हड्डियाँ थी वो न्यान्डेढ़ की हड्डियाँ थी उसको ऐसे चोट आई हुई है भयंकर कि उसका स्कल तक मतलब निशान है बट वो उस चोट से नहीं मरा है उसको एक्चुअली में दफनाया गया है और उसके बावजूद जी गया था मतलब उस चोट के बावजूद इसका मतलब तो उसकी केयर हुई है उसके जीवन में किसी ने उसकी केयर की यानी वो ग्रुप्स में भी रहते थे तो ऐसी जगह और मिली जहाँ पे जहाँ पे पता चल ऐसी और जगह ग्रेव्स मिली निहान की कि पता चल रहा है कि उनकी ना ना सिर्फ सोसाइटीज़ थी बट शायद थोड़े बहुत कल्चर्स भी थे जैसे कि दफनाना दफनाना एक अपने आप में कल्चर ही तो हो गया नहीं, नहीं। तो ऐसे जानवर छोड़ देते हैं जब जानवर थोड़ी एक दूसरे को दफनाते हैं तो ये तक अगर जिस जिस स्पीशीज में था तो तुम उसको कैसे ऐसे बंदरों की तरह मान लो कि बेवकूफ तरह चल रहे थे ऐसा नहीं था तो हमें लगता है अब अब ये क्लियर हो गई पिक्चर कि नियंडरथल एक्चुअल में होमोसेपियन से बड़े क्लोज थे उनमें भी सोसाइटीज थी जहां पे एक दूसरे की वो केयर करते थे एक साथ एक जुट होकर रहते थे नेचर में और हो सकता है एक टाइम पे होमोसेपियंस के साथ भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया बट हम ये भी जानते हैं कि जैसे होमोसेपियंस जब ये यूरेशिया में आए जहाँ पे नियान्डरथल्स ऑलरेडी बसे हुए थे ऑलरेडी रह रहे थे हमारे और हमारे उस एरिया में आते ही कुछ वही सेम कहानी कुछ थोड़े सालों के अंदर अंदर नियांडरथल्स गायब हो गए सो हम देखते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स फोर्टी थाउजेंड ईयर्स पहले नियांडल्स सब गायब हो गए ऐसे हम देखते हैं कि एक और भी ऐसे हमारी सब स्पीशीज मिली है हमें याद है हमने बात किया था कि एक आइलैंड पे तो छोटे बोने डॉफ्स होते थे ऐसी एक और रशिया साइड एक स्पीशीज सब स्पीशीज लगा लो मिली जिनको डेनी डेनी सोवन ऐसे कुछ नाम है नाम अभी तो बहुत तरह तरह के मिल रही हैं अभी रिसर्च इतनी ज़्यादा चल रही है वो भी बताते हैं कुछ फिफ्टीन थाउजेंड पहले सब गायब हो गए तो और ये क्या साइंटिस्ट को लगता है ये भी हमने ही विलुप्त किया इनको कोइंसिडेंस इंसिडेंस कह लो क्या बोल सकते है उसको क्योंकि कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं गए वो hmm. और हम ये देखते हैं कि हमारी जैसे जैसे माइग्रेशन जहां जहां हुई वहां वहां जब ये स्पीशीज मिलती हैं वो थोड़े साल में गायब हो जाती हैं hmm. तो नहीं, नहीं। <laughs> ये वही जान जो हमने फ्लोरा के साथ किया बेसिकली इसमें ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वो hmm. हम जैसे ही थे यार वो अलग जानवर नहीं थे तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दूसरे जानवरों के साथ ही Hmm. बुरा व्यवहार exactly. किया exactly. Exactly. हमने खुद अभी तुम खुद स्टार्टिंग में अभी बोल रहे थे कि कैसे जॉर्ज फ्लॉयड का ये जो अभी कांड चल रहा है मतलब एविडेंट ही है कि आज के रेट में भी अगर अब पता नहीं उस टाइम पे क्या उसका रहा बट चलो जॉर्ज फ्लॉयड का नहीं बट लार्जली अभी जस्ट सॉ 200 साल पहले स्लेवरी इतनी तो ज्यादा थी तो क्लियरली अगर हम होमो अपने आप को जो हम ह्यूमन बीइंग्स जो अपने आप को समझते हैं एक सिर्फ आर्टिफिशियल चीज को देख के वो की, जो कि मतलब हमारे का कलर है या फिर कोई रंग रूप अलग है या उसके थोड़े नैन नक्श अलग हैं उतने से ही हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं तो पता नहीं उस टाइम पे तो आ, मैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये जो भी जॉर्ज फ्लॉइड के साथ हुआ है जैसे जो हमारी जो ये जो, जो नस्लवादी प्रवृत्ति है हमारी हाँ। तो इसकी जो बीज बोए गए हैं ये बहुत पुराने बीज बोए गए हैं और हमने अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथी. Sovans, बोलते हैं एक इधर होमो फ्लोरेस करके थे वो सब खत्म हो गई वो स्पीशीज रही नहीं hmm. सोचो कितना कितना अजीब होता कि अगर जो आज हम रेसेस बोलते हैं ब्लैक रेस एशियन रेस इसकी जगह सोचो एक हमारे और अगर ऐसे ब्रदर सिस्टर्स होते जो थोड़े अलग होते सही में जेनेटिकली hmm. तो क्या हम इतने होते क्रूर आई डोंट थिंक सो बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आज हम अपने आप तो कितनी अजीब बात होती नहीं आज की हाँ। तारीख में तो हम लड़ मर लेते हैं वो चाइनीज वो ब्लैक हाँ। जब है सब मनुष्य ठीक है वही <laughs> मनुष्य है कितना अजीब होता कि वो 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 चाइनीज ब्लैक सब हम होते होते और हमारे साथ एक वो भी होते, हाँ, वो वो कुछ और बोलते होते उनका रहने का अलग होता कल जैसे अभी भी हमारा अलग अलग ही है कुछ हद तक बट लार्जली सब मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही जीने लग गए हैं काफी होमोजनस हो गया है फिर भी मामला और सोचो क्या हम जानवरों के प्रति इतने क्रूर होते क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि हम अपने आप को इतना अलग मानते हैं जानवरों से क्योंकि हमारे कोई और कजन है नहीं Hmm. जो हमारे जैसे दिखते हो hmm. थोड़े बहुत भी हमारे जैसे दिखते हो या तो चिमपैन है या फिर hmm. हम हैं तो हमारे बीच का ना ट्रांजे है नहीं कहीं hmm. <laughs> जो हमें एक एक ना आयना दिखाए कि ये देखो तुम भी जानवरी हो तुम भी जानवर हो ये रहे hmm. तुम्हारे hmm. कजन या तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स hmm. तो बट ना वी नो ना वी नो थिंक विद एटलीस्ट

अभी सेम मिस्टेक्स करोगे तो इसका मतलब तो फिर वही बात है जो तुम बोल रहे थे कि हिस्ट्री रिपीट करना हो गया hmm. <laughs> तो यार मैं अगेन आई विल गो बैक टू इट देन लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जो नेचुरलिस्ट का काम है बताया कि पहले कोई साइंटिस्ट नहीं होते थे बॉटनिस्ट नहीं होते थे फिजिसिस्ट नहीं होते थे hmm. पहले सब नेचुरलिस्ट ही होते थे नेचुरलिस्ट कौन जो अपने नेचर को जानने की कोशिश कर रहा है तुमने जॉर्ज कुर की कहानी बताई तो मैं मनी मन सोच रहा हूँ यार कि मैं

कुछ समाज ऐसे है कि उन्होंने किसी तरह की किलिंग जैसे जानवरों की किलिंग को मना किया है कि नहीं मत करो क्योंकि शायद उनको पता था कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है नहीं तो <laughs> कि सब तरह के अगर मेगा को हमने खत्म किया है तो क्लियर है कि हम में है भाई मार देंगे मतलब अपने फायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते राइट right. तो एक्चुअली में बहुत ऐसे ऐसे जिन्होंने अपनी खुद की जान दे दी

मतलब ब्रीफली तो यही है कि जो सबसे पहला चिपको मूवमेंट जो लोग समझते हैं कि कैसे कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी कि वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति इतनी जागरूक थी कि उन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए वो उन पेड़ों के साथ चिपक गए और राजा महाराजा जो थे जो काटने के लिए आए उन जंगलों को उन्होंने बोला नहीं काटने देंगे चाहे मर जाएंगे तो ऐसी कम्युनिटी थी बिश्नोई कम्युनिटी की जब जब स्टार्ट हुई थी तो वो इतने एनवायरमेंटल कॉन्शियस थे या जागरूक थे कि उन्होंने अपनी जान दी एनवायरमेंट को बचाने के लिए hmm. ये तो 500 साल पुरानी बात है और आज के रेट में लोग नहीं सोचते हैं hmm. दो घड़ी भी yeah, <laughs> कि किसी true. को मैं मैं शायद अपनी के किसी पेड़ के लिए अपनी जान तो ना दे पाऊं बट इज देर समथिंग आई कैन डू लाइक एज जस्ट रेगुलर सिटीजन हाँ हाँ बिल्कुल सो so, देखो जॉर्जीज कुबेर या डारविन या ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये अपनी तरफ से कुछ कर ही रहे थे शायद इस सच्चाई को जानने के लिए कि hmm. है क्या है, ये नेचर या ये क्या है hmm. इसलिए उनको नेचुरलिस्ट बोलते थे hmm. आज की डेट में अभी हम कैलिफोर्निया अकेडमी ऑफ साइंसेज जाते हैं दैट रिमाइंड मी एक्चुअली कि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यू मे बी यू यू बी मे बी यू कैन बिकम अ मे बी नॉट यू कैन बिकम एज बिग एज डाराइक एनी ऑफ दीज साइंटिस्ट बट एट एन इंडिविजुअल उनका एक टर्म है मतलब हर सिटीजन एक कंट्री का अपने आप में एक सिटीजन साइंटिस्ट बन सकता है तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है आज की डेट में कि उन्होंने एक ऐसा ऐप निकाला जिसको वो आई नेचुरस्ट बोलते हैं <laughs> to, जैसे जॉर्जी स्क्वेर अपने आप में नेचुरलिस्ट थे आज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हर सिटीज़न एक नेचुरलिस्ट बन सकता है उस नेचुरलिस्ट ऐप के वजह से, से कैसे तो मैं शेयर करूँगी आई थिंक थोड़ा सा आ, कि कैसे उस ऐप के अंदर आप खोलो उस ऐप को किसी भी पेड़ या किसी जानवर अगर आपको दिखता है उसकी पिक्चर लो तो वो ऐप आप आपको आप तुरंत ही बता देता है कि ये कौन सा पेड़ या कौन सा जानवर है उसकी स्पीशीज़ के नाम मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है उसके साथ हाँ मतलब मैं जैसे जंगल में घूम रहा हूँ कोई दिख गया उसकी फोटो, ले फोटो ले, बता, ले दे देगा। बता देगा वो बता देगा और सिर्फ वो ही नहीं वो क्या करता है ये जो आप अपनी पिक्चर ले रहे हो ये एक्चुअल में इनकी जो डेटा है इनके फ्लोरा फोना का जो ये कम्युनिटी जो ये साइंटिस्ट कम्युनिटी जो ये कलेक्ट कर रही है वो अपने डेटा में इसको एनालाइज करती है कि ये क्या कोई ऐसी स्पीशीज ऐसा जानवर है जो एग्जिस्ट नहीं करता कोई नया तो नहीं मिल गया कहीं तो सोचो उन्होंने हर सिटीजन के हाथ में एक ऐसा ऐप दे दिया है जिसके थ्रू आप उनके डेटाबेस को कंटिन्यूसली रिच कर सकते हो बैठे बैठे मतलब जहां पे भी भी तो मैं नई स्पीशीज खोज सकता हूं। अगर हाँ एग्जैक्टली exactly, तो वो सही में वैलिडेट करते हैं हर एक फोटो को कि ये क्या फोटो किसी ऐसे जानवर की दिख रही है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है अगर नहीं करता तो हो सकता कोई नई स्पीशीज हो तो कोई ना कोई बैठ के पीछे इनके डेटाबेस में वैलिडेट करता है एंड समझ लो मैंने एक यहाँ पर एक एक्चुअली में एक एक फ़ोटो ली थी किसी एक किसी ऐसे बर्ड की और ऐसे कोई बत्तख टाइप थी <laughs> उसकी फ़ोटो ली तो मुझे सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आ, कि ये बर्ड क्या है क्या नहीं है आई वॉज ऑल्सो एबल टू सी कि बर्ड पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है तो एक मैप पे उन्होंने दिखाया है वर्ल्ड मैप पे कि ये जानवर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट किया है और कैसे पता है ये हमें कि वहाँ पे भी मेरे जैसा कोई पिक्चर ले रहा होगा उस बर्ड oh. की <laughs> तो जहाँ जहाँ अच्छा तो ग्लोबल ऐप है मतलब कोई इंडिया नाइजीरिया हाँ, हाँ, तो मैं एक्चुअली रेकमेंड करूंगी इंडिया में अगर आप बैठे तो जस्ट डाउनलोड दिस ऐप पुट अ लिंक अपलोड किया oh, nice. sure in है, है picture. आ, तो, <laughs> तो, बिल्कुल, मैं तो करूंगा यार और बिल्कुल ट्राई करना है चाहूंगा हम डिस्क्रिप्शन में

और इसीलिए शायद हम अपने आप को इतना स्पेशल भी समझते हैं क्योंकि हमारे कोई कजन्स और ब्रदर सिस्टर्स या है नहीं जिन नहीं। जो हमें इमीडिएटली याद दिला सके कि हम भी इस एनवायरमेंट का ही पार्ट हैं जो इतनी क्रोल टीम मचाते रहते हैं <laughs> तो इसके बाद में देखो अब हम बस पिकअप ही करेंगे यहाँ से अब स्पीड <laughs> <नहीं>। <laughs> अपनी सिविलाइजेशन की तो हम आगे अब हंटर गैदर्स को छोड़ के हम थोड़ा आगे Chalinge. Are we going to discuss next. the dawn of civilization <laughs> next? <laughs> yes, some some something on those lines. <laughs> okay, cool. So next, हम hum, हमारे chapter हमने बड़ा ही एक खूंखार journey देखी हम uh -huh. hum humans की. But it's both like हम इससे सीख सकते हैं हमारी history से. मुझे बड़ा अच्छा लगा. But next, I look forward to uh, seeing how we established civilization. Yes. Uh -huh.